नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। टारगेट है हमारा सीजीपीएससी का आने वाला प्रारंभिक परीक्षा, जिसके मद्देनज़र इस एफटीआर के माध्यम से हम लोग यहां पर कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता देता हूँ। सुबह 8 बजे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हो, शाम को 5 बजे आप लोग यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और रात को 8 बजे आप लोग सीजीजीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हो। आने वाले सप्ताह में एफटीआर के माध्यम से कुछ और सब्जेक्ट्स को भी आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करवाया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के इस सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि हर साल अगर क्वेश्चंस पेपर में देखोगे, चाहे वो सीजीपीएससी का हो, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो, हर साल इंडेक्स से रिलेटेड जो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स या रैंकिंग रिलीज़ किया जाता है, वहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज मैं आप लोगों को हर साल पूछे जाने वाले, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 इंपॉर्टेंट रैंकिंग और इंडेक्स करवाने वाला हूँ। अगर इम्पॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से कर आप लोग यहाँ से जाइएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने एफटीआर मेगा टेस्ट, जो कि 2 फरवरी 2019 को आयोजित होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से वेबसाइट पर विज़िट करें और वहाँ पर फ्रंट पेज पर ही दिया हुआ है आपका एफटीआर मेगा टेस्ट से सारी इन्फॉर्मेशन, तो उसको जल्द से ज्वाइन कर लें। रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल मुफ्त है। रायपुर और दुर्ग में आपका ऑफलाइन सेंटर है, और अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन दे सकते हो। एग्ज़ाम किस प्रकार से देना है, और जो एफटीआर में जो क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, उसी एफटीआर के प्रैक्टिस सेट में से टॉप 100 क्वेश्चन का सिलेक्शन करके आपके उस मेगा टेस्ट में आने वाला है, जो कि आपके मान लो 9 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपका जो स्थिति है राज्य स्तरीय, इस टेस्ट में आप अपने आप को बेहतर तरीके से जांच पाओगे। और जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी प्रकार से समस्या आ रही है, तो वो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि उनकी समस्या को समझा जा सके और इसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो अगर आपको किसी तरह से कोई भी रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आता है तो आप एक बार नीचे कमेंट कर दो। और गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने एफटीआर मेगा टेस्ट से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और एक बात, जो डेली 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाया जा रहा है, वो भी प्रैक्टिस आप लोग वहाँ पर बकायदा रेगुलर करते रहिएगा, क्योंकि रिपीटेड रिवीजन में बार बार बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग रिवाइज अच्छे से करते चलिएगा। तो चलिए आज के इस डिस्कशन में पहला आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है 50वां, ऑप्शन बी है 60वां, 68वां या फिर 70वां। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन का जवाब साथ में देते चलिएगा। हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा आपको सोचने का यहाँ पर वक्त देता हूँ, अपने तरीके से एक्सप्लेन करते रहता हूँ ताकि आप वहाँ पर इस चीज़ को सोच सकें। हिंट देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखा है, तो हिंट देने की भी कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको रिकॉल कर सकें। तो इसीलिए साथ में करते चलिएगा और लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने टोटल में से कितना सही किया है। तो चलिए बताइए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में इंडिया को कौन सा रैंक मिला है। तो 2019 के अनुसार इस इंडेक्स में इंडिया को जो रैंकिंग मिला है वो है 68। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका सी। देखिए, कोई भी रैंकिंग रिलीज होता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लोगे तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, या तो इसमें आपको भारत की स्थिति पूछेगा, या तो यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है यह पूछेगा, या तो फिर टॉप रैंक पे कौन है ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो हर इंडेक्स में यहाँ से 2-3 प्रश्न आपसे बनते हैं, उस आधार पर ही मैं करवाते चलता हूँ। तो 2019 में इंडिया की रैंक याद रखिएगा 68th रहा, और अगर एक साल पहले चले जाओ तो 2018 में इंडिया का रैंक था 58 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। तो यहाँ पर इंडिया को 10 स्थान का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। और इस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, सिंगापुर। इससे ज़्यादा सेकंड और थर्ड रैंकिंग
याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, सेकंड पे है आपका अमेरिका और थर्ड पे है आपका यहाँ पर हांगकांग। ठीक, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो बताइए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग या फिर चीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका न्यूजीलैंड, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब यहाँ पर भारत की स्थिति समझिए, इस रिपोर्ट में क्या कहता है। तो इस रिपोर्ट में 190 देशों में जो भारत को स्थान मिला है वो है आपका 63rd यानी कि 63। अब ये 2020 की रैंकिंग है। अगर हम लोग 2019 की रैंकिंग की बात करें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो भारत को यहाँ पर मिला था 77th। ठीक है, और भारत जो है इस रिपोर्ट में 14 स्थानों का सुधार किया है इस साल, यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। फर्स्ट रैंक मैंने बता दिया है न्यूजीलैंड, सेकंड पे है आपका सिंगापुर, और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसकी तरफ से जारी किया जाता है, तो ये आपका जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है, नीचे कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 इंपॉर्टेंट इंडेक्स करवा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करके जाइएगा और इसके आसपास की चीज़ें भी कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अगर घुमाकर आपसे पूछे तो आपसे बनना चाहिए। चलिए हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी होने के बाद जो है काफ़ी विवादों में भी आया था कि भारत की स्थिति और ख़राब होती जा रही है भुखमरी के मामले में, तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 100वां, 101वां, 102वां या फिर 103वां। तो ये प्रश्न का सही जवाब जो होगा, इंडिया की जो रैंकिंग है 102nd आ जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। और इसमें टोटल कितने देशों को शामिल किया गया था इस इंडेक्स में, 117 देशों में जो भारत की जो रैंकिंग है वो आपका 102 है। और 2018 में अगर हम लोग भारत की रैंकिंग की बात करें तो 103 था, यानी कि आप कह सकते हो यहां पर इस इंडेक्स में भारत को एक स्थान का सुधार हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहां भूखमरी की समस्या सबसे कम है, कौन सा ऐसा सबसे बेहतर देश है, तो इसमें आ जाता है आपका बेलारूस। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूक्रेन आ जाता है, फिर तुर्की आ जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कौन सा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2019 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है 61, 70, 76 या फिर 85। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 76। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो गया सी। अब देखिए एक बात समझिए कि ऊर्जा संक्रमण यानी कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। इससे पहले भी हमने पहला क्वेश्चन जब डिस्कस किया तो उस इंडेक्स को भी किसके द्वारा जारी किया जाता था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और ये जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वाला ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया 2019 में भारत की रैंकिंग, 2018 के भी देख लो, 2018 में जो भारत की रैंकिंग है वो 78 पे था। ठीक, दो स्थान बेहतर हुआ है। और फर्स्ट पे कौन है इसमें,
वो है आपका स्वीडन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का स्वर्ण जमा पूंजी में कौन सा स्थान है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से जो रिपोर्ट रिलीज किया जाता है उसमें बताया जाता है कि कौन से देश में स्वर्ण भंडार कितना ज़्यादा है और कौन से देश ने सबसे ज़्यादा भंडार को बढ़ाया है, इस आधार पर रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है। तो भारत की रैंकिंग बताइए, ऑप्शन है आपके सामने 10th, 18th, 23rd या फिर 27। तो इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब सुनिए, इस प्रश्न का जवाब होगा आपका ए 10th। ठीक, मार्च में ही यह रिपोर्ट रिलीज हुआ था, 2019 के मार्च में जब यह रिपोर्ट रिलीज हुआ तो भारत की जो रैंकिंग थी वो 11 था। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में फिर से एक रैंकिंग रिलीज हुआ 2019 में ही, तो फिर भारत की रैंकिंग जो हो गई एक स्थान सुधर गया, वो हो गया 10th। अब यहाँ पर समझिएगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से जो ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, तो सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि भारत की रैंकिंग 10th है, यानी कि भारत 10वां ऐसा देश है जिसके पास में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार है, यानी कि गोल्ड रिजर्व है। तो अब यहाँ पर भारत के पास में कितना स्वर्ण भंडार है, 618.2 टन। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 618.2 टन। पहले नंबर पे कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किसके पास में है, तो वो है अमेरिका के पास में। कितना है, अमेरिका के पास में है 8,134 टन सोना का भंडार। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपका आता है जर्मनी, जिसके पास में सोने का भंडार जो है वो 3,367 टन का है। तो भारत के पास में कितना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 618 टन। अमेरिका के पास में, खासकर सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत की स्थिति यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग देखते हैं कौन सा है। हाल ही में जारी SDG ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 129 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। SDG का यहाँ पर मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर जब बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हो रही है, इसके तरफ से यह इंडेक्स रिलीज़ किया जा रहा है, यानी कि यह जो है यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है निर्धारित किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से ही। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल द्वारा यह इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यानी कि इस इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किया गया है। तो बताइए, इसके अनुसार जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के अनुसार भारत की स्थिति क्या है 129 देशों में। यह भी यहाँ पर क्लियर हो गया कि टोटल 129 देशों को शामिल किया गया है, और जेंडर इक्वालिटी का मतलब यहां पर हो गया कि यानी कि मेल और फीमेल के बीच में जो समानता की बात की जाती है, उस आधार पर इस इंडेक्स को रिलीज किया है। ऑप्शन है आपके सामने 72, 84, 95 या फिर 101। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 95 आउट ऑफ कितना, 129। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, फर्स्ट रैंक याद रखिएगा, जेंडर इक्वालिटी के मामले में सबसे बेहतर अगर कोई देश है तो वो है डेनमार्क टॉप पे। उसके बाद अगर सेकंड और थर्ड रैंकिंग भी आप लोगों को जानना है तो याद रखिएगा, फिनलैंड सेकंड पे है और थर्ड पे है आपका स्वीडन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 का मतलब हुआ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, 163rd, 141 या फिर 128 या फिर 120। तो इस प्रश्न का जवाब जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत को 141वीं रैंकिंग मिला है। कितने देशों में, इस बात को समझ लीजिए, तो ये है आउट ऑफ 163 कंट्री, यानी कि भारत भी शांति के मामले में कोई बेहतर नहीं है, यहाँ पर इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, यानी कि यहाँ पर पीस की स्थिति बहुत ख़राब है। और 2018 में अगर आप देखोगे तो 2018 में भारत की जो रैंकिंग थी 136 था। कौन सा ऐसा देश है जो सबसे शांतिपूर्ण है, जहाँ शांति सबसे ज़्यादा है, तो ये है आपका आइसलैंड, फर्स्ट
पे है आपका आइसलैंड। एक फैक्ट बताता हूँ यहाँ पर, देखो सबसे पहला इस यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स सबसे पहला जारी किया गया था 2008 में, और 2008 से लेकर अब तक जो टॉप पे है सबसे शांतिपूर्ण देश है वो आइसलैंड ही है। तो अगर टॉप रैंक आपसे पूछा जाए ना, तो यहाँ पर आप लोग चुपचाप आइसलैंड पर आंसर लगा दीजिएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स के मामले में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हिनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आपका कल या परसों में ही फिर से हिनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया है। तो बताइए कि हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन से देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है और भारत का स्थान यहाँ पर कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन है आपके सामने 84th या फिर 102 या फिर 131 या फिर 157। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 84th, यानी कि हिनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2020 के इस इंडेक्स के अनुसार भारत की 84वीं रैंकिंग है। और अगर हम लोग 2019 के रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग 86 था, यानी कि आप कह सकते हो कि दो स्थानों का यहां पर भारत को सुधार हुआ है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखा जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, यानी कि कौन से देश के पासपोर्ट से हम कितने से ज़्यादा कंट्री में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस मामले में अगर टॉप पर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक जो है आपका आ जाता है जापान का। जापान के पासपोर्ट से आप 190 से अधिक देशों में जो है वो बिना वीज़ा का ट्रैवल कर सकते हो। तो दुनिया का सबसे ताकतवर अगर पासपोर्ट की बात की जाए और इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ पर आंसर लगाओगे जापान, ठीक है। और इस इंडेक्स को किसकी तरफ से जारी किया जाता है, तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स, जिसका मुख्यालय है आपका लंदन में, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है 50, 40, 52 या फिर 60। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस इंडेक्स को इस साल भारत में ही जारी किया गया है, और इस इंडेक्स को जारी किया है भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से इंडेक्स को जारी किया गया है। और भारत को जो है इस इंडेक्स में 129 देशों में 52 रैंक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और इस इंडेक्स को जारी किया गया है और इस इनोवेशन इंडेक्स का एक थीम रखा गया है, उस थीम को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इस इनोवेशन इंडेक्स से संबंधित थीम पूछा जाता है तो इसका जो थीम है वो है क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन। तो इस तरह से इसका थीम भी याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाता है थीम पर आधारित तो बनना चाहिए। और इस इंडेक्स में, इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसका है, तो फर्स्ट रैंक है आपका स्विट्जरलैंड का, ठीक। चलिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स और है आपका, 9 इंडेक्स हो चुका है, यहाँ पर 10वां इंडेक्स है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस इंडेक्स में टोटल 189 कंट्री को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को जो रैंकिंग मिला है 129th मिला है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका ऑप्शन ए होगा, 129वीं रैंकिंग भारत को मिला है 189 देशों में। भारत की रैंकिंग 2018 में जो था वो था आपका 130, ठीक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, प्रश्न में ही आपसे पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, इसी की तरफ से ये इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें कि कौन से देश का ह्यूमन सबसे डेवलप है, तो फर्स्ट रैंक है आपका नॉर्वे, फिर आ जाता है स्विट्जरलैंड, और फिर आ जाता है थर्ड नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया।
तो ये जो मैंने 10 इम्पॉर्टेंट इंडेक्स या फिर रिपोर्ट के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया है, जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। हर साल यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, एक न एक इंडेक्स और इम्पॉर्टेंट रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैंने 10 करवाया है इसको कर आप जाइएगा ही, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उम्मीद है कि इन 10 प्रश्न के आसपास ही आपके प्रश्न बनेंगे। तो अब इन 10 प्रश्न के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने टोटल 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। इसके अलावा अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया कीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।